या 5 8 12 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो ये क्या क्या बोलेंगे? स्क्रीन तो दिख रहा होगा ना आप सभी को? यस सर, यस सर, हाँ जी। 5 8 आ जाए या 5 12 आ जाए, इट शोज फिजिकल लव। ठीक है, जो बेड प्लेजर तक पहुंच जाए, दिस लव इज फिजिकल, दिस इज ऑल्सो फिजिकल लव, बट इट्स कैंडल, दिस इज ऑल्सो फिजिकल लव। डिफरेंस कहां आ रहा है दोनों में? डिफरेंस ये आ रहा है, जो 5 8 या 5 12 वाला फिजिकल लव होगा, दैट इज हिडन। तुम उससे प्यार करती है, मैं तो उससे प्यार करता हूं, दोनों के बीच में है और उन दोनों को ही पता है, वो उन दोनों को ही पता है। 5 8 फिजिकल लव होगा, 5 12 भी फिजिकल लव होगा, 5 8। सारे ध्यान से सुनना प्लीज, लिखना मत, ये सब कुछ गिवन है, इट इज वेल गिवन इन नोट्स, और नहीं भी होगा तो रिकॉर्डिंग है, समझ लो इसको, बहुत काम आने वाला है। एंड 5 8 12 होता है ना, दैट इज ऑल्सो फिजिकल लव, बट 5 8 और 5 12 वाला जो लव होगा, दैट फिजिकल लव इज हिडन, पकड़ा नहीं जा रहा है बंदा, वेदर ही इज मैरिड और नॉट, वेदर शी इज मैरिड और नॉट। इनका जो फिजिकल लव चल रहा होगा, वो पहले चल रहा होगा, शादी से पहले ही चल रहा होगा, या शादी के बाद भी चल रहा होगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चल रहा है, दोनों आर मैरिड है, पकड़े नहीं जा रहे, फिजिकली एक्टिव, पकड़े नहीं जा रहे, तुझे पता और मुझे पता। 5 8 12 मीन्स द फिजिकल लव विच इज स्कैंडलस, द फिजिकल लव विच इज स्कैंडलस, एंड इट लीड्स टू, इट लीड्स टू, जो कहते हैं ना समाज में स्कैंडलस हो जाना, समाज में बेइज्जती करवाने वाले तक पहुंचता है। अब इसमें भी आप कई जगह ऐसी सिचुएशन देखोगे, 5 8 12 लड़के के में आ रहा है, लड़की की में नहीं आ रहा, लड़का पकड़ा जाता है, लड़की नहीं पकड़ी जाती, या मतलब दोनों पकड़े भी गए तो लड़की को भेज देते हैं, लड़के की बेइज्जती हो जाती है खाली। ठीक है, 5 8 12 ऐसा भी होता है। ठीक है, तो 5 8 12 इन चीजों को डिनोट करता है। क्लियर? हाँ, ठीक है जी। ये हमारा फिजिकल लव का भी इसमें हो गया। कौन अब यही 5 8 9, यही मतलब 5 कॉम्बिनेशन आ जाता है, 5 8 9 का, 5 9 12 का, 5 8 9 11 का, तो ये ना मोरालिटी जुड़ जाती है उस 5 8 के साथ। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसके फिजिकल रिलेशंस ना बन रहे हों या बन रहे हों, इट डिपेंड्स अपॉन देशकाल पात्र। बहुत ज्यादा हाईफाई सोसाइटी में होगा तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मोरालिटी इस चीज में नहीं आएगी कि लगता है। आजकल आप बात करोगे ना लोगों से, देखिए आप समझिए, जब आप एक बंद कैबिन में बात करते हो ना और बंदा खुलता है, डॉक्टर साहब आपको तो पता ही है क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में हो, आपके साथ तो ऐसा होता रहता होगा, बट ज्योतिष में भी ऐसा ही होता है, बंदा खुल के सारी चीजें बताता है, तो उनके लिए नैतिकता वाला इसमें कुछ होता ही नहीं है। अगर आप किसी थोड़ी सी, ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हाई फाई सोसाइटी के लोग, ठीक है यार, फिजिकल रिलेशन इज नॉर्मल, मतलब फीमेल्स के लिए भी नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, वेदर दे आर मैरिड और नॉट, मतलब उनके लिए नॉर्मल होता है। बट 5 9 5 9 और 5 11 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मोरालिटी और इन चीजों से दूर करते हैं, मोरालिटी बंदे के अंदर आती है। ठीक है, अब एक बंदे का मैं बताऊं, 5 8 भी आ रहा था, 5 12 का कॉम्बिनेशन उसकी भुक्ति में बन रहा था, 5 8 का उसकी दशा में बन रहा था, बट उसका 9 भी खूब भर भर के आता था। ठीक है, वो गुड़गांव की स्टोरी है, बहुत बड़ा सा आदमी है वो, हनुमान जी की खूब पूजा करता है डॉक्टर साहब। अब उसके साथ क्या होता था, जिम में जाता था, शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती थी, अच्छा खासा पैसे वाला है, मतलब 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी। फिर वो कहीं चले जाते थे बाहर घूमने, चलो यार चलते हैं, मतलब बाहर चलते हैं, सपोज कहीं बाहर उन्होंने शहर से 20 किलोमीटर दूर कोई होटल वगैरह बुक करा लिया, तो वो वहां से भी वापस आ जाता था कि नहीं यार इट्स नॉट गुड। तो वो मोरालिटी को दर्शाता कि अगर बंदे में मोरालिटी है तो ये चीजें हो जाती है। ठीक है, 5 8 12 एक कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है, ये आगे भी पढ़ाऊंगा एक जगह में, बट अभी बता रहा हूं,
जो 5-8-12 अगर किसी का आ रहा हो ना, तो 5-8-12 का मतलब होता है डॉक्टर साहब स्कैंडलस, इट स्पॉइल्स आनंदजी ईच एंड एवरीथिंग। 5-8-12 गिव्स यू स्कैंडलस इवेंट्स, 5-8-12 गिव्स यू बैंकरप्सी, 5-8-12 आपकी समाज में बदनामी कराता है। बैंकरप्सी भी ऐसी नहीं होगी डॉक्टर साहब के वैसी बैंकरप्सी होगी, बेइज्जती करा के बैंकरप्सी कराएगा। 4 लोगों को पता होगा कि इसका बैंक खरा खत्म हो गया, मतलब बेइज्जती जरूर होगी, चेक बाउंस बाउंस कुछ ऐसी फालतू की घटनाएं उसके साथ जरूर हो रही हो। 5-8-12 बैंकरप्सी जरूर कराता है, बहुत बेकार होता है। तो ठीक है, कॉलेज कॉलेज के बच्चे हैं तो ठीक है, बैंकरप्सी होगी। 5-8-12 वाले के साथ और भी कई सारे इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सपोज पता चला लड़की पैसे मांग रही है, भैया पैसे दे। ठीक है, एक लेडी के में 5-8-12 आ रहा था, थोड़ी सी ठीक ठाक फैमिली सी थी, हस्बैंड का अच्छा खासा काम था, वो मेरे पास आई रोती हुई एंड शी सेड के आई वाज इन्वॉल्व विद दिस बॉय एट ए टाइम और नाउ ही इज आस्किंग फॉर मनी। वो लड़का पैसे मांग रहा है, नहीं तो ही सेइंग के आई विल शो दिस वीडियोस टू योर हस्बैंड एंड ऑल, वो सारी। ठीक है, ये चीजें भी होंगी। ठीक है ना, ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसी चीजें होंगी तो फिर उनका बी पार्ट में ना ताला बंद करके मुंह बंद किया जाता है लोगों को, ऐसी रेमेडीज भी हैं। ठीक है आनंद जी, जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें कैसी रेमेडी भी है, लोगों का मुंह कैसे बंद करना है, मतलब आपके सामने बंद हो जाएगा, आपके लिए बंद हो जाएगा, आपके लिए बुरा नहीं बोल पाएगा और हो जाता है वो। ठीक है, ऐसी चीजें होंगी तो फिर उनका बी पार्ट में ना ताला बंद करके मुंह बंद किया जाता है लोगों को, ऐसी रेमेडीज भी हैं। ठीक है आनंद जी, जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें कैसी रेमेडी भी है, लोगों का मुंह कैसे बंद करना है, मतलब आपके सामने बंद हो जाएगा, आपके लिए बंद हो जाएगा, आपके लिए बुरा नहीं बोल पाएगा और हो जाता है वो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आएगी। ठीक है जी, अब जितनी पत्रियां हमने देखी थी और जिन पे आपने प्रैक्टिस करी है, जिन पे गोले लगाए हैं, उन्हीं को देखो दोबारा से, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम या मैं आपको 4-5 पत्रियां और दूं, उन्हीं पत्रियों के गोलों को देखो एक बार और देखो कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, उन्हीं पत्रियों के गोलों को देखो और देखो किसमें आपको वो दिखाई दे रहा है और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, फिर मुझे बताना। बंदे का नाम मत बोलना, हम वैसे ही चार्ट लगा लेंगे, डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ उसमें मेंशन हो रही होगी आपके इसके स्क्रीन पे, तो मुझे बता देना, मैं खोल लूंगा उसी। जी क्या बोल रहे थे शोभनी जी? सर, मैं दो चीजें पूछ रही थी सर. जैसे हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशंस, तो शादी से पहले आजकल बहुत लोग इंटीमेट होते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि शादी से पहले वाले टाइम पीरियड में ये चीज थी या शादी के बाद? शादी के टाइम पीरियड के पहले की दशा हिलाएंगे ना बेटा, टाइम हिलाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा पत्रियों पे लगाऊंगा, आप सिर्फ वो देखो 5-8 जहां आ रहा है, फिर मैं देखूंगा उसको बता दूंगा, डोंट वरी, और सर, देखना इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा कुछ होता है क्या कि जैसे राकेश का अगर कॉम्बिनेशन है उसमें 5-8-12 है तो ज्यादा? यस यही बताऊंगा कि किसके एक के साथ है, वो मैंने बताया नहीं अभी, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है ना फिर, लोग लॉजिक पता नहीं आगे आगे तक। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि दैट बॉय इज इन्वॉल्व विद वन फीमेल ओनली, शादी से पहले एक ही गर्लफ्रेंड थी, एक था कि वो हर जगह 20 20 20 रखी है उसने। ठीक है, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं शोभिनी जी के, मैंने कल बताया था आनंद जी और डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप थे नहीं शायद क्लास में, कल थे, कल नहीं थे आप, कल मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया, लोग राह चलते आदमी पर लड़कियां फिदा हो जाती हैं या लड़के फिदा हो जाते हैं, राह चल रहा है आदमी जा रहा है तो पता चला 2 गर्लफ्रेंड बना के ही आया, पुणे गया है तो 2 के साथ फिजिकल होके आया ही है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं चार्ट में। ये इसका डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1991, एक सेकंड में जो सेवन तो टेन 1991 टाइम है 15:15, बेबी बेबी रानी. रानी. आप लोगों से प्लीज निवेदन है कि कृपया करके नाम ना बोलें, स्क्रीन शेयर हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ, थोड़ा गुरु जी स्क्रीन. हाँ, आप हो रहे हैं. सा टाइम ले रहा है आजकल ना गूगल जी। अब ये चार्ट है जो इसमें क्या दिखाई दे रहा है बताइए अब आप लोगों को, चेताली जी गुरु क्या जी, दिख रहा है? इसमें शनि और केतु में 5/8/12 क्लियर है, राहु में नहीं है,
बट जुपिटर में भी 5, 8, 12 आ रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा जी आपने, बिल्कुल सही। ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, ठीक है, स्कैंडलस हो रही हैं, हो रही हैं, केतु घर में कलेश हो रहा है, हुआ है। तो 5, 8, 12 का मतलब मैंने बताया ना, पकड़े भी जाओगे, ठीक है। अब कौन सी सिचुएशन बोली आपने ये बताओ, राहु में मार्स इसका अभी चल रहा है, ठीक है। राहु तो ऐसा 5, 8, 12 नहीं बोल रहा, मार्स भी ऐसा 5, 8, 12 नहीं बोल रहा, नहीं ठीक है। बोल रहे। अब पहले जब इनके अंतरे आए थे जुपिटर के, तो जुपिटर के अंतरों ने ऐसी सिचुएशन दी थी, अंतरा कह रहा हूं सॉरी, भुक्ति आई थी जब भी। अब डेट ऑफ बर्थ देखो इसकी 1991 की है, ठीक है, शी इज मैरिड, लेडी मैरिड है। अब इसमें आप देखोगे जब इसकी दशा आ जाएगी, ये शायद इसका शोभनी जी का प्रश्न था, अभी आ गई 2024 में, 2024, ठीक है। अब 2024 में क्या आ रहा है, 5, 8, 12 आ रहा है पूरा पूरा, 5, 8, 12 आ रहा है, नहीं आ रहा। गुरु जी आपने तो दिया था उसमें तो 23 तक की। हाँ कोई बात नहीं है, मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को, वो हाँ 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 वो तो लगा। अच्छा उसमें नहीं दिख देखना। रहा। ओके 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 सॉरी। इसमें हाँ देखो 2024 में, जनवरी 2024 में क्या आ रहा है, जुपिटर आ रहा है ना, हाँ जी हाँ जी तो इसमें कुछ दिख रहा है आपको, स्क्रीन गलत, यस 5, 8, 12 तीनों दिख रहे फाइव हैं। एट ट्वेल्व जुपिटर में 5, 8, 12 जुपिटर में 5, 8, 12 है, शनि में 5, 8, 12 है। ठीक है। सर एक 11 भी तो है। टॉप 11 देखो ना बेटा कहाँ है शोभनी, टॉप लाइन 5, 8, 12 केतु में भी है। देखो इसमें ना 7, 2, 7, 11 पॉजिटिव है, बट अगेन वैसी सिचुएशन आ रही है जैसे अभी क्लास के स्टार्टिंग में कुछ प्रतीक से बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे कि ऊपर की लाइन में आ रहा, प्रतीक से नहीं मैंने एक बनाई थी सिचुएशन के, ऊपर की लाइन में आ रही है, ऊपर की लाइन में 7, 11 आ रहा, नीचे तो 5, 6, 8, 12 सारा आ रहा है, हाँ सिक्स एट जी 6, 8, 12 का आगे पढ़ेंगे आप अगले टॉपिक में। 6, 8, 12 अपने आप में जॉब टर्मिनेशन देता है, 5, 6, 8, 12 ये जॉब टर्मिनेशन है, तो इसका ये जॉब टर्मिनेशन स्कैंडल के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं लग रहा कि हमें, कि हम इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि 6, 8, 12 डल गया साथ में, 6 और 12 जो इसका स्कैंडलस कराएगा वो जॉब टर्मिनेशन वैसे करवा देगा। अब इसके बाद क्या आएगा, 2026 में क्या आ रहा है, मर्करी 13 मार्च 2026 में क्या आएगा, जुपिटर सैटर्न मरकरी वो भी कौन कौन फाइव बोल एट रहे हैं, ट्वेल्व मरकरी कौन कौन बोल रहे मरकरी हैं, वैसे जो जो मरकरी बोल रहे हैं उन्होंने बिना आएगा। देखे बोला है, देखना भी नहीं आ रहा अभी। ये 2026 है, यहाँ पे दशा रहेगी जुपिटर की और भुक्ति रहेगी सैटर्न की, ठीक है। हाँ जी तो जुपिटर में यहाँ पे रहेगा 5, 6, 8, 12 और यहाँ पे सैटर्न में आ जाएगा पूरा 5, 8, 5, 8, 5, 8। अब ये फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्व होगा, और फिजिकल रिलेशन किस पे जाएगा, फिजिकल रिलेशन जाएगा ये किसमें, दिस फिजिकल रिलेशन कैन लीड टू, दिस फिजिकल रिलेशन कैन लीड टू सैटेनिक स्कैंडलस इवेंट्स आल्सो, स्कैंडलस इवेंट्स। प्लूटोनिक भी बोल दिया गया किसी ने बीच में, फाइव फाइव एट भी है, 5, 11 भी है, सॉरी 5, 11 5, 11 कहाँ है बेटा, 5, 11 अभी 5, 11 का ही तो इतना समझाया कि 5, 11 ऊपर है, प्लूटोनिक होगी, नैतिकता होगी, हाँ होगी, हस्बैंड को ये बोल के नहीं जाएगी कि आई एम गोइंग विद माय बॉयफ्रेंड, इतनी नैतिकता होगी कि हस्बैंड को नहीं बोलेगी तू रूम के बाहर बैठ जा, आई एम विद माय बॉयफ्रेंड इन द रूम, पकड़े जाएंगे, हाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि 5, 8 स्ट्रोंग हो रहा है नीचे, ध्यान से ये देखो कि स्ट्रोंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मोरालिटी है ऑफ कोर्स, शी विल ट्राई टू हाइड थिंग्स, वो ओपनली नहीं बोलेगी बट ओपन हो जाएंगी, यस ओपन हो जाएंगी, ठीक है, घबराओ मत, इसमें बाकी कॉम्बिनेशंस भी हैं, अभी के लिए इतना ही समझो इसको, ठीक है जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये पॉइंट किसी को क्लियर नहीं है तो वो हैंड रेज रखे, चेताली जी ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो हैंड रेज रखे, अदरवाइज डाउन करें जी। रेणुका जी क्या बोल रहे हैं,
सिर्फ दशा भक्ति वही देखनी है, उसकी जो अंतर है वो चेक करना है बार बार, मतलब कौन से ईयर में जाके देखना है, तो हमने सिर्फ वही देखना है। नहीं दोबारा बोलो क्या बोला आपने, दशा भुक्ति नहीं देखनी है, अंतरा देखना है। हाँ कि जो दशा भुक्ति थी ऊपर हमने अभी देखी जुपिटर की, तो उसके बाद जो आपने 26 वो दिखाया ईयर, उसमें क्या वो उसमें अंतरा देखना है सिर्फ लास्ट में कि हाँ अंतरा क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आज की दशा क्या चल रही है, राहु में मार्स चल रहा है, आज की दशा देखनी है। दशा सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होती है, भुक्ति उससे कम स्ट्रोंग होती है, और अंतरा सबसे कम स्ट्रोंग होता है। तो हम सबसे पहले स्ट्रोंग चीज को देखेंगे या हल्की चीज को देखेंगे रेणुका जी? स्ट्रोंग को तो फिर दशा को क्यों नहीं देखेंगे? व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग दशा एंड भुक्ति, है ना? दशा देखेंगे, भुक्ति देखेंगे, फिर अंतरा देखेंगे। तो आज ठीक है एट प्रेजेंट क्या चल रहा है इसका? इसका एट प्रेजेंट चल रहा है राहु। समझने की कोशिश कीजिए, राहु क्या बोल रहा है? 2711, 2711, ठीक है, ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्स क्या बोल रहा है? राहु में मार्स है जो 3-8, 3-8, 3-8, सब ठीक चल रहा है। अंतरा क्या चल रहा है? केतु का चल रहा है। केतु क्या बोल रहा है? 2711, 5-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 5-8 का 12 बन रहा है, बट 2711 बहुत जाता है और अंतरा थोड़ा सा कम स्ट्रोंग भी होता है। ठीक है, देखिए ठीक है कई बार क्या होता है, अंतरा भी अपने काम कर जाता है। ध्यान से सुनना भी सारे कॉन्सेप्ट को, सारे लोग प्लीज, कोई नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनना। कई बार अंतरा भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, जनरली अंतरा नहीं करता है। कैसे? ध्यान से सुनो। डॉक्टर साहब हो, अनुज स्वामी जी हो क्लास में? कैमरा ऑन नहीं है अनुज आपका सुबह से आज? सर मेरा ना नेट ऑन है मेरा, सर कैमरा ऑन नहीं, कैमरा ऑन नहीं है आपका सर, मैंने ऑफ किया हुआ है क्योंकि ऑन करते फिर मेरी नेट में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ध्यान से समझिए, अब इसको ध्यान से समझिए। जो हमारा दशा होती है वो सबसे स्ट्रोंग होती है, भुक्ति उससे कम स्ट्रोंग होती है, और अंतरा सबसे कम स्ट्रोंग होता है। कई बार अंतरा भी बहुत ज्यादा तगड़े रोल प्ले कर जाता है, या भुक्ति भी बहुत तगड़े रोल प्ले कर जाती है। ध्यान से सुनो, अगर हमारी दशा है और दशा में सिर्फ न्यूट्रल नंबर आ रहे हैं, ठीक है ललित प्रकाश जी, आपकी दशा है, दशा में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहे हैं इवेंट कराने के, शोभिनी जी मान लो शादी करवाने के लिए, चेताली जी लिखो मत प्लीज, सारे लोग सुन लो ध्यान से, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं बार बार और फिर वही क्वेश्चन थोड़ी देर में उसी बंदे का निकल के आ रहा है। दुर्गा जी क्या लिख रहे हो? जो आप कह रहे हो गुरु जी वही लिख रहे हैं। नहीं मत लिखो ना आप, जब मैं मना कर रहा हूं तो लिखने के लिए, या ये भी लिख दिया नहीं लिखना है, ऐसे करके लिखा तो नहीं है ना? ठीक है सुनो ध्यान से, दशा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सपोज किसी इवेंट को करवाने के लिए 2711 आ रहा है, तो दशा में अगर 2711 आ रहा है तो दशा अपना काम करती रहेगी, दशा विल रूल। अब आनंद जी दशा में 3434 3434 आ रहा है ना, पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। अब यहां भुक्ति की चलेगी, अगर भुक्ति 2711 की आ गई तो भुक्ति क्या करेगी? इवेंट करवा देगी, और 2711 की नहीं आई तो भुक्ति के हिसाब से ही चीजें चलेंगी। 2 साल बाद जब भुक्ति चेंज हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी तो चेंज होगा। कई बार भुक्ति भी न्यूट्रल होती है, दशा भी न्यूट्रल होती है, तो अंतरा अपना रोल प्ले कर रहा था, उन 3 महीनों में इवेंट हो जाता है, उन 3 महीनों में इवेंट बिगड़ जाता है, 2 महीने में इवेंट हो जाता है, 2 महीने में इवेंट बिगड़ जाता है। इसको ऐसे समझो सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी इसको ऐसे समझो कि आपका प्रधानमंत्री बैठा है मोदी, और सेंटर के बाद यहां स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी चीजें, तो ये चलने नहीं देंगे स्टेट गवर्नमेंट में ना किसी की भी, खुद अपनी चलाएंगे। अब सेंटर में बैठ गया कोई ढीला सा प्रधानमंत्री, ठीक है चेताली जी, दुर्गा जी, और बंगाल में बैठी है ममता दीदी, तो ममता दीदी कुछ समझेगी नहीं, कहेगी मैं अपने यहाँ पे जो अलग रूल्स हैं वो चला लूंगी। होता है ना बहुत बार मूवीज बैन हो जाती है कहीं भी होती है, बट बंगाल में अच्छे से चल रही होती है। कई बार सेंटर वाला प्रधानमंत्री भी कमजोर है या न्यूट्रल है, वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है यार, मुझे काम करना है। स्टेट वाला चीफ मिनिस्टर भी न्यूट्रल सा है, तो जो डीसी होते हैं ना, जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी चला लेते हैं। इट डिपेंड्स, आप समझिए इस चीज को थोड़ा सा,
कि कितनी स्ट्रॉन्ग दशा भुक्ति इवेंट के लिए, अगर न्यूट्रल आ गई ना शोभिनी जी फिर तो दिक्कत ही नहीं है। आज की क्लास जिसने नहीं करी ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग आज की, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल अगर आ रहा है दशा भुक्ति तो अंतरा ही अपना रोल प्ले कर देगा, अदरवाइज सबसे पहले किसको देखना है हमें, दशा को देखना है। दशा पॉजिटिव है इवेंट के लिए तो करवाएगी काम। अब मैं यहाँ पे फिजिकल रिलेशंस को देख रहा हूं तो इसी चार्ट पे दोबारा आते हैं, मैं फिजिकल रिलेशंस को देख रहा हूं तो मैं आज की दशा और भुक्ति देखूंगा। आज की दशा क्या है, राहु, राहु क्या बोल रहा है, कुछ होगा ऐसा। राहु कह रहा भैया मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं 2/7/11 के लिए प्रोमिनेंट हूं। मार्स कह रहा है कि भैया मेरे को ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मेरा 8/12/8/12 आ रहा है, मैं कुछ और चीजें करा सकता हूं बट मैं स्कैंडलस फिजिकल लव वगैरह की तरफ नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि पैच नंबर है ही नहीं। केतु क्या कह रहा है, बोला मैरिड लाइफ इंटैक्ट है, 11 नंबर भर भर के आ रहा है, बस 5/8/12 भी है, मैं थोड़ा सा स्कैंडलस करवा सकता हूं। तो डीसी साहब की इतनी औकात नहीं होती किसी भी डिप्टी कमिश्नर की कि वो सीएम से अलग हटके काम कर ले, छोटे मोटे इवेंट वो ऐसे करा देगा कि कुछ नुकसान वगैरह करा देगा, छोटा मोटा फाइनेंशियल लॉस करा देगा, उससे घर में थोड़ा सा झगड़ा या कलेश या कुछ ऐसी चीज करा देगा। समझने की कोशिश करो ना, हमारे पास पैसे आ तो 100 रुपए हैं और खर्चा आ रहा है 10 रुपए का, तो यू कैन नॉट से कि आई विल बी बैंक करप्ट और समवन विल बी बैंक करप्ट। आनंद जी ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब इसी इवेंट को समझने के लिए कि भैया कब होगा इसकी लाइफ में, क्योंकि ये चार्ट खोला है तो किसी ने पढ़ा होगा ना इसमें, रेणुका जी है ना, किसी ने चेताली जी ने खुलवाया, किसी ने भी चार्ट खुलवाया तो पढ़ के खुलवाया होगा ना। अब कैसे पढ़ के खुलवाया जाएगा वो देखो इसमें आगे आके, ये समझने का सीरियसली लिखने का कुछ नहीं है, हर चार्ट में हर बंदे का अलग होगा ये, इसलिए बोल रहा हूँ कि लिखो मत इसको, सिर्फ देखो मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दिख गया स्क्रीन, दिख गया? अब जब राहु में केतु चल रहा है तो नहीं आ रही ऐसी। हम जाते हैं अगला इवेंट 2024 में, 24 जनवरी 2024 में, यहाँ जुपिटर की दशा होगी, जुपिटर की भुक्ति होगी और जुपिटर का अंतरा होगा। यहाँ 5/8/12 आ रहा है, यस यहाँ 5/8/12 आ रहा है, यहाँ ये चीजें हो सकती है। कैन थिंग्स बी स्कैंडलस, यस। कैन शी बी बैंकरप्ट, यस। ये हो सकती है, ठीक है। इश्यूज आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और इससे भी ज्यादा खतरनाक इश्यूज कब आ रहे हैं, 2026 में। जुपिटर की दशा है, सैटर्न की भुक्ति है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो पूरे पूरा 5/8/12 इसका भी बन गया और इसका भी बन गया, जो 2026 से लेके 2028 तक का टाइम होगा, इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दिस लेडी और दिस गर्ल, राइट, ठीक है। समझ में आया ये सबको? आगे आगे समझ, ठीक है। पंकज जी क्लियर हुआ ये आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हेतल जी क्लियर हुआ आपको? रेणुका जी क्लियर हुआ? जी सर, ओके। प्रदीप क्लियर हुआ? चेताली जी क्लियर हुआ? प्रतीक, दीपेंद्र जी क्लियर हुआ? दीपेंद्र जी क्लियर हो गया। दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी क्लियर हो गया? अनुज, यस सर। अनुज क्लियर हो गया? डॉक्टर साहब क्लियर हो गया? डॉक्टर समीर जी, हाँ जी सर। स्वाति क्लियर? सुरेंद्र जी, जी सर। अनुज जी क्लियर है? हाँ जी सर। आनंद जी क्लियर है? जी गुरु जी। शिवा जी क्लियर है? सचिन गुप्ता जी क्लियर है? हाँ क्लियर, क्लियर है सर। शोभनी जी क्लियर है? सुनीता जी क्लियर है मैम आपको? जी सर जी। इन्हीं इवेंट्स की प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं 8 चार्टों पे, जितने भी चार्ट अब आपके पास आए उन्हीं पे शादी का देख लो, उन्हीं पे मैरिड लाइफ का देखो। मैं कुछ चार्ट और भी कोशिश करूंगा शाम तक दे दूं आप लोगों को, ठीक है। ना दूं तो कोई भी याद दिला देना, सर चार्ट दे दो कल, दे दे याद दिला देना कल दे दो, बट उसकी प्रैक्टिस कर लो बेसिकली,
ठीक है शोभनी जी, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने जिन्होंने एस्ट्रोसेज वगैरह नहीं सीखा है ना तो वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो जैसे मैंने टाइम आगे करके देखा ना रेणुका जी, चेताली जी, वो भी तो देखना पड़ेगा। चलो मान लो अब इवेंट नहीं हो रहा, सपोज शादी है 2711 अब नहीं आ रहा, तो सामने वाला ये तो पूछेगा भाई बताना कब आ रहा है 2711, तब शादी हो जाएगी मेरी। आपके पास जो आएगा मेरी शादी नहीं हो रही, उसका 2711 आ ही नहीं रहा होगा, तो उसका अब हम आगे देखेंगे भैया 2711 कब आ रहा है, जब शादी होगी तब उसकी शादी के योग बनेंगे। आपके पास जो बनना बंदा जनरली आएगा ना शादी के लिए पूछने, उसको म्यूट रखो भाई प्लीज। आपके पास जो बंदा आएगा उसके 2711 आ ही नहीं रहे होंगे, ठीक है, उसके 2711 आ ही नहीं रहे होंगे, तो वो भी आपको देखना होगा कि भाई अब नहीं आ रहे तो अब क्या करें, ठीक है। ठीक है गुरुजी, वो बहुत जरूरी है, तो हमें आगे करके देखना है तभी हम बता पाएंगे कि इसके ये इवेंट हो रहे होंगे लाइफ में, ठीक है। ठीक है, अभी आज की रिकॉर्डिंग जो लोग देखेंगे उनके प्रश्न ये आएंगे कि कई लोग ये बोलेंगे कि हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिन लोगों ने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ ना उनको लिंक नहीं मिला है, तो मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा एटलीस्ट। ये तो बहुत गलत बात है ना, एक महीने से ज्यादा हो गया और बोल बोल के सबको बोला भी गया था, स्टार्टिंग में मैंने भी बोला है क्लास में कि मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है। ठीक है जी, नंबर सेव कर लो, वरना तो ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट से ऐसा होगा ना यार, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। मान लो पूजा नहीं है तो मैं लिंक फिर सबको इंडिविजुअल भेजता रहूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी भी एक मैम का कॉल आया कि जी मुझे लिंक नहीं मिला आज की क्लास का, कैसे मिलेगा। ठीक है प्रतीक, क्या क्वेश्चन है? नंबर सेव करना तो वैसे भी फ्री है ना, नंबर सेव करना तो मैंने कहा वैसे भी फ्री है ना। हाँ सर, नंबर तो अब सेव हो गया है। ठीक है चल बता क्या कह रहा है बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट एक प्लैनेट का कोऑर्डिनेट है अगर मैं पूछ सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे को प्लैनेट डिसाइड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। पिछली क्लास हमने डिसाइड किया था कि वो प्लैनेट नेगेटिव है, बट उसके आउटकम क्या होंगे, किस वे में नेगेटिव है, वो मैं डिसाइड नहीं कर। दोबारा दोबारा बोल बेटा, थोड़ा सा धीरे बोल एक बार। ठीक है, पिछली क्लास में सर हमने एक डेट एक कुंडली लगाई थी, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है नहीं, पर एक प्लैनेट है उसका सैटर्न, सैटर्न के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास जिसपे मैंने गोले लगाए थे, तो वो प्लैनेट हमने डिसाइड किया था कि वो नेगेटिव है, पूरा कैलकुलेशन करके नेगेटिव ज्यादा थे तो नेगेटिव में आ गया। पर आउटकम जो है, जैसे आज की हमने क्लास में आउटकम पे पहुंचे हम, कि हम क्या आउटकम होगा, नेगेटिव तो हो गया ठीक है, पर आउटकम क्या होगा आज डिसाइड कर रहे हैं, तो आउटकम मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों तरफ जा रहे हैं। नंबर्स हैं तेरे पास, पत्री में तो नंबर्स, तो नंबर्स बोल दे, नंबर्स से हम देख लेते हैं एक बार क्या डाउट है। नंबर्स में बताता हूं सर, एक सेकंड रुक जा, नंबर्स बता दे बेटा, फिर हम नंबर्स से देख लेते हैं, दैट्स इट। हो गया? हाँ दिख रहा है सर। नंबर्स बताइए। सैटर्न 612। फिर सर नक्षत्र में 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 हाँ जी। अब सर सब लॉर्ड में 612 ठीक है सर। इसमें सेकंड से क्लियर ही होता है कि जो नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग है सब लॉर्ड से। मैंने एक्चुअली नेगेटिव पे लाल की जगह ना ब्लैक लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो लिखी रेड से दिया था। ठीक है सर, यही तरीका होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और तो कोई तरीका नहीं होता। सारे लोग ध्यान से देखना, तरीका यही होता है, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, कैसा होगा मैरिड लाइफ के लिए देखे तो, अच्छा होगा बुरा होगा? सीधी सीधी नेगेटिव की स्ट्रॉन्ग ज्यादा बन रही है, पॉजिटिव थोड़े बहुत आ रहे हैं, फैसिलिटेटर्स हैं लाइफ में। ऐसा रहा होगा कि
मैरिड लाइफ खराब होगी, बिल्कुल होगी। सैटर्न में आ रहा है तो राकेश में आ गया, इट कैन लीड टू डिवोर्स ऑल्सो। बट इसमें ना मीडिएटर्स होंगे, यस मीडिएटर्स भी रहे होंगे, 5-9-5 आ रहे हैं, तो मीडिएटर्स ने भी अपना काम तो किया होगा, ट्राइड फॉर पैचअप, बट नेगेटिव ज्यादा हैं, तो अल्टीमेटली एट दिस टाइम दे कैन फाइल डिवोर्स ऑल्सो। वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं इस टाइम पे, कोई ऐसी इशू नहीं है। बट इसमें सर 2711 भी है जो कि एक ऑस्पिशियस है, और दूसरे दो कॉम्बिनेशन जो इसमें बन रहे हैं वो एक 5-11 का भी बन रहा है और एक 5-8-12 का भी बन रहा है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सर कि वो प्लेटोनिक लव होगा या फिर स्कैंडलस लव होगा? अच्छा, तू लव पूछ रहा है, मुझे लगा तू शादी पूछ रहा है। नहीं सर, शादी में तो 2711 और 6-12 में मतलब ऑब्स्टेकल्स हैं, और जैसे आपने बताया सर, तो बताना चाहिए था ना, मैं लव पूछ रहा हूँ सर, हमारा फोकस प्यार का है, मैं शादी के चक्कर में पड़ा हूं, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि इवेंट क्या होगा। सत्य में इवेंट क्या, क्या इवेंट में समझ नहीं पा रहा ना, बता ना तू कौन से इवेंट में डिटरमाइन नहीं कर। जैसे सर 2711 से क्लियर हो गया कि शादी के लिए पॉजिटिव इवेंट है कि शादी तो होगी। अब तू प्यार का पूछ रहा था, मुझे प्यार का बताने तो दे, मैं बता देता हूं तेरे को प्यार का भी, ठीक है बेटा। प्यार का इसमें क्या आएगा ये देख, इसमें अगर हम इसमें सिर्फ लव का देखें तो लव आ रहा है 5-8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 आ रहा है, आ रहा है। क्या इसमें मोरालिटी होगी बंदे में? 110% होगी। क्या इस बंदे में मोरालिटी होगी? आपने सबने अपनी नोटबुक पे लिखे हैं ना ये कोऑर्डिनेट्स? नहीं लिखे? लिखे हैं सर, लिखे हैं जी। यार तेरा पता बाकियों से तो पूछ लेने दे ना। अब इसमें क्या लव होगा? पहली बात तो प्यार है, 5 नंबर है, लव होगा, प्लूटोनिक लव होगा, मतलब इसके अंदर मोरालिटी होगी, मोरालिटी होगी। क्या इसके फिजिकल रिलेशंस बनेंगे? 110% बनेंगे। अब हावी कौन सी चीज हो जाएगी रजनी जी इस पे? पंकज जी कौन सी चीज हावी हो जाएगी? मोरालिटी हावी होगी या फिजिकल रिलेशन बनाने की चाह हावी होगी? निकालेंगे ना दोबारा, देखो अभी इसी क्वेश्चन को दिखाने के बाद। मैं सारे लोगों को बार बार पता है शेयर इसलिए हटाता हूँ कि आप लोगों के चेहरे दिख जाएं आप कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है? म्यूट रखो और सारे लोग प्लीज, तो पूछू तो भी बताना। देखो अब इसको देख के सारे अपने अपनी नोटबुक पे लिखना, पहले बोलने मत लग जाना। अब इसमें समझ गए हम, 5 आ रहा है, मोरालिटी आ रही है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 11 आ रहा है, आ रहा है, मोरालिटी होगी, 9 है, यस इसमें मोरालिटी होगी। क्या इसमें फिजिकल रिलेशन बनाने की चाह होगी? 5-12, 5-8, 12 का सपोर्ट यहां से मिल रहा होगी, बिल्कुल होगी। हावी कौन सी चीज होगी उस पर? अल्टीमेटली इवेंट कौन सा होगा? दोनों ऑपोजिट बातें हैं ना, कि बनाऊं रिलेशन या ना बनाऊं, हावी कौन सी चीज हो जाएगी इस पे? बताओ अब किसने क्या क्या लिखा है सबने? फिजिकल रिलेशन बना पाएगा फिजिकल? हाँ जी बना पाएगा सर। ध्यान से सुनो, मुझे मोरालिटी होगी, फिजिकल रिलेशन बना लेगा, बट इसमें इतनी मोरालिटी होगी कि अगर ये लड़के का चार्ट है तो वीडियो बना के ब्लैकमेल नहीं कर। पंकज जी आप म्यूट रखा करो ना प्लीज, देखो डिस्टरबेंस आता है जब आपको बोलना हो तभी अनम्यूट किया करो, रिकॉर्डिंग में भी सुनता है प्लीज। कहाँ था मैं यार? हाँ, तो उसमें ना ये चीजें मोरालिटी होंगी, होगी इसमें इतनी मोरालिटी होगी पंकज जी, वीडियो नहीं बनाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज के टाइम को देख के आप ऐसी प्रेडिक्शन दे सकते हो, हाँ इतनी मोरालिटी होगी, रिलेशन बना लेगा यार। नहीं, लड़की पूछेगी कि क्या इसने मेरी वीडियो भी बनाई होगी? नहीं यार बेटा, तेरी वीडियो नहीं बनाई होगी, इतनी मोरालिटी तो है इसमें। अब वीडियो बना ली होगी तो उसको वायरल नहीं करेगा, ठीक है। अब लड़की के में अगर प्योर 5-8-12, 5-8-12 आ रहा है तो ये कह दो कि इसने तो नहीं बनाई होगी बट तेरी वीडियो वायरल हो सकती है। हो सकता है इसके फोन से कोई दोस्त ले ले, या फोन टूट जाए, या फोन गुम हो जाए, कहीं और से कोई एक्सट्रैक्ट आउट कर ले, क्वाइट पॉसिबल। आज के सिनेरियो को देख के चार्ट तो दोनों के देखने पड़ेंगे ना। मैंने पिछली बार समझाया था ना, एक के चार्ट में आ रहा है मैरिड लाइफ अच्छी, एक के में आ रहा है बेकार है ना। एक के चार्ट में आ रहा है स्कैंडलस होना, एक के में आ रहा नहीं होना, सेम चीज यहां भी अप्लाई होगी, ठीक है। ममता जी डिकोडिंग सीक्रेट्स, ममता जी सर, यस सर, यस सर। बेटा मेरा नंबर सेव करके रखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? मैंने आपका नंबर अच्छे से चेक किया है, मेरे नंबर आपके पास सेव है, और मैंने ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट पे लिंक शेयर किया है,
और मैंने आपको अभी लिख के भी भेजा, व्हाई यू हैव नॉट शेयर्ड माय नोट्स, सेव माय नोट्स, सेव कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी। संदीप सचिन जी, क्या प्रश्न है आपका बेटा? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने 8-12 बताया है कि उसमें दोरी और एक्सटेंशन है, दोरी भी है। आज जिनके पास लिंक नहीं गया ना, सोच के देखो, उनको मैंने पत्रियां भी भेजी हूँ पिछली बार, उनको होमवर्क वाली, उन्होंने वो भी नहीं मांगी मुझसे, वो भी मैंने ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट पे भेजी थी। सर हमें होमवर्क वाली पत्रियां नहीं मिली है, है ना? या पूजा से ले लिया अलग के अलग, मैंने पूजा को दे दी थी। क्या बोल रहे थे सचिन आप? मेरा नंबर सेव करके रखो, मैं बहुत बार, जब आप लोगों का एक लेवल आ जाएगा ना, जब आपकी और 4-5 टॉपिक हो जाए, तो मैं कुछ टेस्ट भी लिया करूंगा। आनंद जी मैं भेज देता हूँ, मैंने मतलब अब तो बहुत ज्यादा चीजें वो कर ली हैं। एक बार एक मुंबई में एक केस हुआ था, एक लड़की ने, वो लिफ्ट में जा रही थी, उसका बॉयफ्रेंड आया था, तो उसको गार्ड्स वगैरह ने रोकने की कोशिश की थी, तो उसने अपने पूरे कपड़े वपड़े खुद ही फाड़ लिए थे, खुद ही उतार दिए थे, और पुलिस वगैरह आ गई थी, बड़ा अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये भी देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो रील्स और वीडियोस में क्या होता है, उन बंदों का कहीं ना कहीं 5-8-12 आ रहा होगा। कौन लड़की करेगी ऐसे कि सबके सामने अपने कपड़े उतार देगी और शोर मचा देगी और गार्ड्स ने उसकी वीडियो बना ली और फिर वो वीडियो फैल गई हर जगह। मुंबई में एक इवेंट हुआ था, सचिन जी आपका प्रश्न लेता हूँ, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुंबई में एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे सॉरी इवेंट करो, मुंबई में एक केस हुआ था, वहाँ पे वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, उसके फ्लैट पे कोई भी नहीं था, तो गार्ड्स ने कहा कि भाई एंट्री करो रजिस्टर में और जाओ। अब एंट्री करके उसको लगा होगा कि एंट्री करेंगे तो पेरेंट्स को पता चलेगा या कुछ भी पता चलेगा, कुछ भी होगा। उसने कहा ये एंट्री नहीं करेगा, तो इसी बात पे कलेश हो गया, गार्ड भी कोई ऐसा ही बैठा हुआ था, झगड़ा हो गया, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को खींच के ले जाने लगी अंदर लिफ्ट में। गार्ड्स ने कहा बिल्कुल नहीं जाने देंगे, गार्ड्स इकट्ठे हो गए। अब उसने देखा कि सारी चीजें फंस रही हैं, तो गार्ड्स ने पुलिस को बुला लिया कि जी ये तो कलेश कर रही है यहाँ पे, तो पुलिस भी पहुंच गई। तो उसने क्या किया कि पुलिस में ना, पुलिस वालों की गलती ये थी कि वो सारे मेल्स आ गए। अब उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसका गुस्सा इतना हावी हो गया उस लड़की का, उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, अपने खुद के कपड़े, किस इंटेंशन से थे पता नहीं। अब आजकल तो मोबाइल्स वगैरह हैं, किसी ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, उसने लड़की ने अपने लगभग पूरे कपड़े उतार दिए, तो वो वीडियो आनंद जी बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, किसी ने शॉर्ट्स की फॉर्म वगैरह में डाल दी थी, तो वो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स भी चल गया उसका। आजकल तो ऐसे ही ना, तो मिलियन व्यूज जाते हुए ऐसे ही लगता है जो ऐसे शॉर्ट्स होते हैं उनके, तो ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ज्योतिष को जियो, क्या हुआ होगा उस लड़की के, कहीं ना कहीं 5-8 बार आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है ना, कर दी उठा के। और जिसने फर्स्ट टाइम वो वीडियो नेट पे डाली होगी, जिसने फर्स्ट टाइम वो वीडियो नेट पे डाली होगी, उस बंदे के अंदर 5-9-11 बिल्कुल नहीं होंगे, दशा भुक्ति अंतरे में कहीं भी नहीं होंगे। वरना तो हम लोग तो यही सोचेंगे ना आनंद जी, यार चलो छोड़ो यार, किसी की बहन बेटी कुछ तो होगी ना लेडी, क्यों ऐसे सोचना किसी के बारे में, है ना। तो ये फैक्टर ज्योतिष को जीना है, थोड़ा सा जियोगे सोचोगे तो चीजें बहुत निकलेंगी। अब क्या इर्द गिर्द क्या चल रहा है, जब थोड़ी ना पत्री होनी है, पता चल गया प्रतीक ऐसे इंसिडेंट करा सकती है, तो दिमाग में तो होना चाहिए ना कि इसका ये चल रहा होगा।